बड़ी खूबसूरत लग रही है रे। हाँ, वैसे सुना है कि तेरा होने वाला हस्बैंड भी ना बड़ा हैंडसम है। जस्सी कैरी सी बड़ा मॉडल शॉर्डर लगता है। दुल्हनिया जी, पर तुम्हारा करण बजाज है कहाँ? संभाले रखा है दिल। कटती नहीं तन्हाइयां, देखूं तेरी परछाइयां, ये सिलसिला अब जाने जा लगे मुस्तकिल। कटती नहीं तन्हाइयां, देखूं तेरी परछाइयां, ये सिलसिला अब जाने जा लगे मुस्तकिल। कब से संभाले रखा है दिल। आने वाली दिलरुबा सामने आके मिल, कहती है मेरी बेताबिया, ओ हंसी का दिल। कब से संभाले रखा है दिल, हाँ हाँ हाँ, कब से संभाले रखा है दिल। ख्वाबों में आने वाली दिलरुबा सामने आके मिल, कहती है मेरी बेताबिया, ओ हंसी का दिल। कब से संभाले रखा है दिल, कब से संभाले रखा है दिल, कब से संभाले रखा है, कब से संभाले रखा है दिल। ये कंपक सरदर्द
और ऊपर से ये पगड़ी। पटियाला और पारसी पैक बनाते बनाते बेटा जी तुसी पग बनना भूल गए हो। पैरी अंकल प्लीज, कम से कम आज के दिन तो मेरी बायोग्राफी ना शुरू करो यार। देखो, हर बायोग्राफी की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना, चाहे वो टाटा हो या अंबानी। अरे तेरी भी है यार, फ्रॉम ढाबा टू बार टू होटल एंड नाउ द बिजनेस टाइकून। अरे हमारे करण ने तरक्की की है, मजाक थोड़े है। अंकल प्लीज, एम्बैरेस मत करो यार। अरे यार देखो, अगर अमिताभ बच्चन बैरी ड्राइव पे सो सकता है, अक्षय कुमार बैंकॉक में बर्तन धो सकता है, तो तू रोमियो बार से हनी एंड मून रिसोर्ट का मालिक क्यों नहीं बन सकता है? बहुत मजा आ रहा है ना, बजाय इसके आप मेरी पगड़ी बांधने में हेल्प करें, आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 जी, बड़ा अफसोस है मुझे, मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं तेरे कॉम्प्लेक्सेस का कुछ नहीं कर सका। मुझे क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आज एक रॉयल फैमिली का दामाद बनने जा रहा हूँ, महाराजा मनजीत सिंह के बेटे, राय बहादुर वीर सिंह के बेटे, विजय सिंह की बेटी है मेरी प्रीति, मुझे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है अंकल। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अरे दो बार लड़की पहले भी तुझे छोड़ के भाग गई थी। एक बार मैं भी भागा था। पता नहीं इस दफा ये राजकुमारी शांत क्यों बैठी हुई है। शुभ शुभ बातें बोलना तो कोई आपसे सीखे, बाहर मंडप सजा है, नीचे डोली सजी है, किसी के भागने का आज कोई चांस नहीं है बैरी अंकल। बाय द वे, ये राय बहादुर वीर सिंह तुझे दहेज में कुछ दे भी रहा है या नहीं? मैं उस वेटर को ना एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। बाऊजी, आज आपकी इकलौती पोती की शादी और आप किसी लिए चुप हो? मैं ना, तू मुझे एक बात बता, तूने क्या सोच के उस नालायक से मेरी पोती का रिश्ता तय किया? बाऊजी, करण एक बिजनेसमैन है, अरे उसके दो दो होटल से है। हाँ बाऊजी, आज बिजनेसमैन है और उसकी औकात वेटर वेटर। बाऊजी देखो, मेरे को ना करण के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुननी है, आफ्टर ऑल वो हमारा होने वाला दामाद है। पंजवी जमात पास, दसवीं जमात फेल, वही है ना तेरा दामाद? वो जी कुछ भी हो, साड़ी कुड़ी नू पसंद है, कोई तो अच्छी बात होगी करण में। इस उम्र में अक्सर लड़कियां अंधी होती हैं। ओहो बाऊजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 25 साल पहले ना मैं भी अंधी हो गई थी। ये पगड़ी ना आपसे बांधी जाएगी ना मुझसे। तू ऐसा कर, तू रूम नंबर 12 में चला जा। रूम नंबर 12? अरे वहाँ एक स्मार्ट सरदार है, तेरा काम हो जाएगा। वैसे ये बात है, जिसकी मैं पगड़ी बांध देता हूँ ना, उसकी शादी बहुत सक्सेसफुल होती है। उस हिसाब से तो आपकी भी है। बैचलर बलवंत मेरे दोस्त, लोगों की शादियाँ सक्सेसफुल करवाता हूँ, अपना टांका भी फिट होना है। शायद आज कोई मिल जाए। तेरे मुंह में की शक्करी यार। हर साल कनाडा से ना स्पेशली शादियों के सीजन में आता हूँ अपनी शादी करवाने के लिए, अपनी होती नहीं है, दूसरों की शादियों में भंगड़ा डाल के लौट जाता हूँ। तो कैसी लड़की चाहिए आपको पाजी? खिला हुआ चेहरा, खुश तबीयत, हंसे तो सिर्फ मुंह खोल के नहीं, दिल खोल के हंसे मेरी तरह। बस अलग अलग जगह पे उसे जरा ये अपना हनीमून मनाने का शौक हो, बाकी की सारी जिंदगी अपने ही चिल्ड्रन वेलफेयर की सेवा में गुजार दे। प्लानिंग तो अच्छी है, मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से भाभी ढूंढो और हमारे रिजॉर्ट में आके हनीमून मनाओ, डिस्काउंट भी दे दूंगा। ओए, डिस्काउंट का क्या मतलब भाई? हैं? चट्टा वाली गल कर, मुफ्त में हनीमून होगा हमारा तो। आप शादी तो करो, मुफ्त में हनीमून भी हो जाएगा। बस तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, अब तो दोस्ती हो गई पक्की अपनी। हेलो भाई, दूल्हे राजा सज के हो गए तैयार। थैंक यू किंग साहब। बस ठीक है जी, नीचे मिलते हैं, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। क्यों? तुम्हारी भाभी नहीं ढूंढनी है मुझे। ऑल द बेस्ट किंग साहब। थैंक यू वेरी मच, और कल की लगा लेना, वो भूलना नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तेरी दूल्हा लगेगा तू। चल भाई बलवंत सिंह, नीचे चल के ढूंढ ले, मार ले ट्राई, हो सकता है तेरे होने वाले बच्चों की माँ मिली जाए। फैमिली में इतना सब कुछ हो गया तो फिर तूने क्या सोचा? मैंने तो फिर ना कर दी, ऐसे लफंगे से शादी कैसे कर लेती? आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं जैसे? यहाँ मिलते हैं जी, यहाँ से आते हैं सीढ़ियाँ उतर के। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बलवंत सिंह फ्रॉम कनाडा। व्हाट स्टेटस एनआरआई? सो तो हम क्या कर रहे हैं? सत श्री अकाल वी जी। वी जी? आओ देसी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। वेटर, इनको जलजीरा बुलाओ यार, जलजीरा।
delicious. I love Indian laddus. वे बलवंतिया, तू अजे तक आ रही तुरिया फिर दे? पिछले सालों जड़ी जसी वखाई सी तेनू छिंदे दे व्याह ते, वो पसंद नहीं सी आई? नहीं जसी ठीक थी, लेकिन मुझे ना उसकी वो ज्योग्राफी पसंद नहीं आई। ज्योग्राफी की? मतलब उसके फेस की लोकेशन ठीक नहीं थी। जा परे, दूजे दे व्याह दे लड्डू खांदा रे। बात तो ठीक है यार बस। हेलो करण, आई एम वेरी सॉरी। थोड़ी नर्वस है करण, मैं जानता हूं ये शादी तेरे लिए एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन तेरा पार्टनर इसे बिजनेस प्रपोजल समझता है। अपना लव लेटर तो पढ़ ले। करण, तुम बहुत अच्छे हो, पर सॉरी मैं ये शादी नहीं कर सकती। डू मी अ फेवर ना, तुम सबसे कह दो कि ये शादी तुमने तोड़ी है। अगर डैडी को पता चला कि मैं फिर से भाग गई हूँ तो तहलका मच जाएगा। करण प्लीज। लो फिर भाग गई। अरे जाने दे बेटा, वो वैसे ही तेज चीज थी, मेरे भोले भाले करण के तो लायक ही नहीं थी। मुझे पता था लंदन की पढ़ी लिखी लड़की मुझसे शादी कर ही नहीं सकती। ये आजकल की लड़कियां खुद को समझती क्या अंकल? आई मीन व्हाट द हेल। राय बहादुर वीर सिंह की पोती तेरी तो कमाल है। मेरा सरदर्द गायब। बीवी जो भाग गई इसीलिए सरदर्द भी गायब। अब बताओ, सारे मेहमान आ चुके हैं, मंडप तैयार है, डोरी सजी हुई है, बोल क्या करना है? मैं इस प्रीति की बच्ची को क्यों बचाऊं? मैं उसके खानदान को बोल देता हूं कि यह शादी उनकी बेटी ने कैंसिल की है। उसके दादा की तो शक्ल देखने लायक हो जाएगी। बिल्कुल। मुझे बारटेंडर वेटर कहते थे। ये चिट्ठी मैं राय बहादुर वीर सिंह के मेहमानों के सामने उसको पढ़ के सुनाऊंगा। वाह। कने तो सालों को अपनी बेटी का कत्ल। अरे देख लेंगे, हिम्मत मत हारना, गुड लक। संभालिए। ये भी बेचारा ट्रेजेडी किंग है। क्या हुआ? मेरी दीदी बहुत अच्छी प्रिंसेस है और सब लोग कहते हैं कि तुम एक वेटर ही हो। आखिर मेरी दीदी ने तुमको पसंद ही कैसे किया? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ओह रियली? और ये सब तुम्हें किसने कहा? मेरी बेबी बुआ ने मुन्नी मासी को कहा, मुन्नी मासी ने चुन्नू मामा को बोला और चुन्नू मामा ने चंदू चाचा को बोला और चंदू चाचा ने रोशन अंकल को। तुम्हारे फैमिली नेटवर्क की तो तुम डराते भी हो। हाँ, और तुम्हें खा जाऊंगा। वेटर वेटर वेटर, अब यही वेटर शादी कैंसिल करेगा। अपनी इज्जत बचा ले करण बजाज। यार हटो स्टूपिड गर्ल्स। बस करो पंडित जी, कितना बड़ा करोगे यार। मम्मी क्या यार, तुम वेटर हो फिर भी नसीब फिल्म के अमिताभ बच्चन के जैसे बैलेंस नहीं कर सकते क्या? यूजलेस। मैं वेटर नहीं हूँ यार, मैं बिजनेसमैन। ए बावर्ची, मैंगो पुडिंग बनाने आता है क्या? थप्पड़ खाना आता है क्या? हद है। ओए काका, तू इथे की कर रहा फिर दे? सिर ते पगड़ी भी नहीं बननी ते जूते ओही पुराने खोंसड़े। चल इधर वे विजय, वे वेख इधर अपना दामाद। क्या हुआ बुआ जी? अब वेख तू यहां क्या कर रहा है? ओ जी सुनिए, सामग्री नहीं आई अभी तक, मुहूर्त का समय हो रहा है और करण बेटे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। अब परेशान मत होइए, शादी कैंसल हो गई है। अच्छा कैंसल? क्या मतलब कैंसल का क्या मतलब है? कैंसल का मतलब कैंसल होता है राय बहादुर वीर सिंह। ओए तेरी इतनी मजाल कि तू मेरा नाम ले। वो क्या है ना कि आज सुबह मुझे रियलाइज हुआ कि प्रीति मेरे लायक ही नहीं है और ये फैमिली बड़ी मिडिल क्लास वेरी एलिस, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सो शादी ऑफ, स्विच ऑफ। आप सब मुझे यूं घूर क्यों रहे हैं? देखे ना खोते हो, राणा बेटों का बेटर। अरे
ओए खोते दे पुत्र तेरी तो मार दे। छोड़ो छोड़ो। अरे पंडित जी हमारी दक्षिणा इनसे ले लो। अरे शादी तो आपने तोड़ी है। अरे अरे पापा भाग करन भाग। कह देता प्रीति ने कैंसिल की है, तू तो बच जाता ना। अंकल मुझे यहाँ से भागना है। अरे भाग के जाएगा कहाँ, रवि सूद तेरे पीछे पड़ा हुआ। मोनिका हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी अंकल। वो बूटी खड़ूस, अरे उसे मार गोली। लेकिन जमीन तो उसी की है ना। अरे तू बस यहाँ से भागने की सोच, तू जा जा बस। भाग तो मैं जाऊँ पैरी अंकल, लेकिन मुझे बाहर कौन बचाएगा। Hi baby. Huh? आती क्या? Idiot, घर पे माँ बहन नहीं है क्या? है ना, पर बीवी नहीं है। अब इसका जवाब मुझे क्या देना चाहिए? चलो चलो निकलो। How cheap? और मैंने तय कर दिया कि मुझे जिंदगी का मजा चाहिए। Life should be fun. और अब मेरा एडवेंचर शुरू हो चुका है। वैसे आज मौसम बड़ा प्यारा है, बस अब थोड़ा सा ड्रामा मिल जाए तब तो मजा ही आ जाए। अरे देखो बेटा, चोरी कैसे भाग रहा है। चोर नहीं, बिजनेसमैन। अरे वाह, इतना सजा हुआ चोर, लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। आई मस्ट डू समथिंग। पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। जरा गाड़ी रोकिए ना। क्यों? प्लीज। अरे क्यों? अर्जेंट है, प्लीज। थैंक यू। वैसे कितनी अजीब बात है, कैसा आदमी है ये, मेरे साथ गाड़ी में भी बैठ गया और एक बार भी नहीं पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ। How strange. यही रोकना था इसे। थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, मेरे साथ भाग तो रहे हो पर जानना नहीं चाहते मैं जा कहाँ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? तो सुनो, मैं ना एक दिन चीजी लाइब्रेरी में काम करती थी। तब मेरी कॉलीग ज्योति, जो बाय द वे अब मिडिल एज्ड है, हाँ, उसने मुझसे कहा, अंजलि तुम पूरी जिंदगी मेरी तरह स्पिनस्टर ना रह जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो बस मैं भाग आई और अब मैं जिंदगी का मजा लेने वाली हूँ, इससे पहले कि मौका हाथ से ना छूट जाए। पूरी तरह से ड्रामा क्वीन हो। अब लाइफ में थोड़ा ड्रामा तो होना चाहिए ना, और मैं तो एडवेंचर की तलाश में हूँ। कहाँ मिलता है ये एडवेंचर, कितने में मिलता है फन, इस वक्त मुझे भी खरीदना है। बता दूँ? बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये सारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स चर्च में डोनेट करूँगी और उसके बाद मैं एक होटल में रूम बुक करूँगी अकेले। अकेले? फिर मैं फ्रेशन अप होंगी और एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ऑर्डर करूंगी। वाह, फिर? फिर मैं टीवी चालू करूंगी और खूब सारी डीवीडीज देखूंगी। ब्लू फिल्म्स? जी, कैसी बातें करते हो? नहीं, ये इतनी पुरानी फिल्म है, तुम इसे एडवेंचर कहती हो? ऑफ कोर्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन मैं अकेले सिर्फ अपने साथ कितना टाइम पास कर सकती हूँ। कहाँ फंस गया तू करण बजाज, कहाँ फंस गया? अच्छा बाय द वे, तुमने बताया नहीं तुम भाग क्यों रहे थे। वो एक शादी कैंसिल हो गई थी तो लड़की वालों को दूल्हे पे थोड़ा गुस्सा आ गया। ऑब्वियसली दूल्हे ने शादी जो कैंसिल की, कैंसिल लड़की ने की थी। क्यों? क्योंकि लड़का बाय टेंडर था, वेटर था, 10वीं फेल था और लड़की वालों की सोसाइटी के लायक नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हें ये पूरी स्टोरी कैसे पता है? क्योंकि उस शादी का दूल्हा मैं था। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी शादी थी? मतलब कि तुम अपनी शादी के मंडप से भागे हो?
How exciting! Runaway bridegroom, हाँ? वाह वाह, असली एडवेंचर तो इसे कहते हैं। शादी वाले दिन दुल्हन भाग जाए और उसकी फैमिली ऊपर से तुम्हारे ऊपर अंडे और टमाटर भी फेंके और वो जूता भी खाए, तुम इसे एडवेंचर कहती हो? अंडे और टमाटर, तभी मैं कहूँ, तब से ये पास क्यों आ रही है? ठीक है, आगे कोई 5-star होटल मिले तो रोक देना, नहा लूँगा। 5-star होटल? Excuse me, आगे एक नदी है, आप वहीं नहा लीजिएगा। तुम्हारे सामने? Never. Please, तुम्हें नहाता हुआ देखने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। I have better things to do. Like this? Very funny. देखो, अगर लिफ्ट चाहिए तो नहाना तो पड़ेगा। ओके, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, ओ लोगों को तो अंडे टमाटर मारने का बहाना चाहिए, ओ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वैसे है तो क्यूट। ए ड्रामा क्वीन, तुम्हें भी इस ठंडे पानी का मजा लेना चाहिए। नो थैंक यू। ओके, ठंडे ठंडे। Got a good body too. अंजलि। क्या घूर रही हो? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? जाओ जाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करो। अजीब लड़की, टॉवल प्लीज। कैच। थैंक्स। कॉफी पियोगे? तुम्हारा फोन बज रहा है। इस वक्त मुझे कौन फोन कर सकता है? पता नहीं, हो सकता है शादी वाले घर से हो, शायद तुम्हें वापस बुला रहे हैं। फिर से पीटने के लिए? ओ रवि, हाय रवि, एक मिनट यार, जरा जीन्स तो पहन लूँ। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? अच्छा छोड़, शादी अच्छी तरह से हो गई कि नहीं? शादी कहाँ हुई यार, प्रीति भाग गई। यार करण, तू ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से लड़की मंडप छोड़कर भाग जाती है, हैं? अबे एक बार मैं भी तो भागा था यार। Excuse me? क्या होगा? Private call है। International press पहुंचने वाली है। कैसे होगी तेरी शादी की रिसेप्शन? कैसे होगी हनीमून मूड रिजॉर्ट की पब्लिसिटी यार? मोनिका के कॉन्ट्रैक्ट का क्या? क्या मोनिका यार, सॉरी, शादी तू कर ले, एटलीस्ट ट्राई तो कर। सॉरी से काम नहीं चलेगा करण। पार्टनर इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन। मोनिका हमें उठा के बाहर फेंक देगी। करण प्लीज, तुझे कुछ करना पड़ेगा। चल मैं ही कुछ करता हूँ। करता हूँ नहीं, करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, शायद कुछ कर सकता हूँ, सोच कर रहा हूँ। तो चले? हाँ चलो, गाड़ी भी कितनी दूर पार्क की है। चलिए। अच्छा तुम्हें एडवेंचर चाहिए ना? जिंदगी का मजा? यस। अगर मैं तुम्हें एडवेंचर दूँ तो? तुम्हारे पास और भी अच्छी मूवीज की डीवीडीज है। आई नो, मुगले आजम। नहीं, एक रियलिटी शो है। हाँ? मेरे पार्टनर रवि सूद और मैंने एक एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट खोला है, हनी एंड मून रिजॉर्ट। हनी एंड मून साउंड डैम चीज़ी। Well, मोनिका ने कहा कि अगर मैं अपना हनीमून अपने ही रिजॉर्ट में बनाऊं, तो उससे अच्छी पब्लिसिटी और क्या होगी, राइट? ओके, पर मोनिका कौन है? हमारी लैंडलेडी। जी कौन, किससे मिलना है? माता जी हैं। माता जी? माता जी को बोलो, हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा जी, आइए बैठिए, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ अभी। मेहता कह रहा था कि बहुत खड़ूस है, सारे ब्रोकर्स डरते उससे। अरे ठीक है ना यार, जैसी आएगी उसके पांव छू लेंगे, कह देंगे माते अपनी जमीन दे दे, रिजॉर्ट बनानी है। तेरे लिए एक मंदिर भी बना देंगे। ओ मैया रे। मैया? Who's मैया? क्या आपने बाहर बोर नहीं देखा?
Brokers are only allowed here between 4 to 6 p.m. क्या आप नए ब्रोकर हैं इस एरिया में? Yes. हम ब्रोकर्स नहीं हैं. We are property developers. Oh, that's interesting. Sit down. It's nice to know कि इस उम्र में भी आप लोग इतने ambitious हैं. Now I have a property. क्या तुम लोग resort develop कर सकते हो? अरे उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते थे. In fact, we have a project. नाम भी सोचा है. Honey and Moon Resort. That's nice. लेकिन agreement से पहले मेरे कुछ conditions हैं. Don't worry, ma'am. We can pay in cash or kind. Excuse me. Cash or check. उस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. Now I have some terms and conditions जो तुम दोनों को मानने होंगे. अच्छा. पर अभी ये सारा plan चौपट हो गया. क्यों? लड़की जो भाग गई. That's quite sad. लेकिन अब ये हो सकता है. कैसे? तुम बनोगी मेरी दुल्हन. What? नहीं. Are you crazy? देखो, सिर्फ 3 दिन की तो बात है. सारी प्रेस वहाँ है. अगर मैं अकेला गया तो कितनी बेइज्जती होगी. बस ये 3 दिन मुझे दे दो और तुम्हारे लिए एक एडवेंचर भी हो जाएगा. सॉरी डूड. देखो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा. आई प्रॉमिस यू. अरे 3rd दिन प्रेस चली जाएगी और तुम भी चले जाना. वैसे प्रपोजल है तो इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस भी, बट इट्स टू स्टूपिड एंड क्रेजी. नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती. तुम ठीक कहती हो, तुम ये सब नहीं कर सकती. देखो, तुम चैलेंज कर लो फिर भी नहीं. कोई मानेगा ही नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो. ये कपड़े. Why? What's wrong with my कपड़ा? जाने दो. और ये तुम्हारे मोटे मोटे चश्मे. गॉड, आई हेट चश्मा. अरे नेवर माइंड माय कपड़ा एंड चश्मा. मैं तुम्हारे साथ ये स्टूपिड सा खेल नहीं खेलने वाली. और ये बालों में चमेली का तेल. नॉट माई टाइप, यू नो. देखो, जो भी कह लो, आई एम नॉट गोना डू दिस. क्यों? अरे थोड़ा तो कोऑपरेट करो ना यार. नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं मालूम, स्ट्रेंजर. हेलो, आई एम करण बजाज. हाय अंजलि, वेरी नाइस टू मीट यू. एक सेकंड. अच्छा, अब बताओ अपना प्लान. यू सी, ऐसा है कि तो क्या ख्याल है? वैसे प्लान है तो अच्छा. एंड बाय द वे, मैं एक्ट्रेस भी कमाल की हूँ. वो तो देखना पड़ेगा. एज इन? रास्ते में ही रोमियो बार है, जहाँ मैंने अपनी पहली नौकरी की थी और फिर मैंने उसे खरीद लिया. और अब? अब मेरा दोस्त माइकल चलाता है. एंड बाय द वे, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड टू. सारा स्टाफ तो यही सोच रहा है ना कि मैं अपनी असली दुल्हन को साथ लेके आ रहा हूँ. तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट भी देख लेंगे. स्क्रीन टेस्ट? अब मेरी दुल्हन बनी हो तो पहले इन्हीं का रिएक्शन देख लेते हैं. यहाँ पास हो गई तो समझो अपना हनी एंड मून रिजॉर्ट सुपर हिट. इतने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं. बताने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है. सही कहती हो, तुम में कुछ भी खास नहीं है. अरे अच्छा, तो तुम अपने बारे में कुछ खास बताओ. कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? गर्लफ्रेंड्स? मैं सिर्फ शादी की कोशिश करता हूँ. गर्लफ्रेंड्स का शौक पैरी अंकल को है. पैरी अंकल मतलब मामा, मौसा या चाचा? पता नहीं, अजीब सा ही रिश्ता है, पर है पिता समान. और फिर भी गर्लफ्रेंड्स का शौक रखते हैं. अरे मेरे पैरी अंकल चीज ही ऐसी हैं. कोई ऐसा तो नहीं कि सारी लड़कियां तुम्हें छोड़ के पैरी अंकल के पास भाग जाती हैं? मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ. हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है. लड़कियां शादी तक भी वेट नहीं करती. लूजर. शक्ल से ही ना तुम एकदम ट्रेजेडी किंग लगते हो. सॉरी करण, मैंने कुछ गलत कह दिया ना? पर सच्ची तो कहा. ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ कह दिया. I'm so sorry. It's okay, Anjali. देखो करण, I'm really sorry. I'm really really sorry. It's okay, Anjali. It's okay. अब शायद मुझे सॉरी कहना चाहिए. अब चलें, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी. अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये गाड़ी किसी हेलीकॉप्टर से कम थोड़ी है. तो हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ हो जाए. चल धनु चल, तेरी अंजलि की इज्जत का सवाल है. ये ओप्स. मुझे अपनी गाड़ी ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए थी. मैंने माइकल को फोन कर दिया है, तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी.
लेकिन और कितना दूर है तुम्हारा रोमियो बार? जल्दी चलो ना, शाम भी होने वाली है। ऐसा लग रहा है बारिश भी होगी। बारिश? अरे मेरा दोस्त आ गया, भीग जाओगे, कम कम कम, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा बंदे, चलो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे करण, मैंने तेरा रूम एकदम रेडी करवा दिया। ओ कमिंग कमिंग। ए विनोद, सारा सामान अंदर लेके आ। ओए तुम्हारा रूम मतलब मेरा कहाँ है? वी आर मैरिड, भूल गई? लिसन, अपना प्रॉमिस याद है ना? पास आके मार नहीं खानी है मेरे को, और वैसे भी इन चमेली वाले बालों के पास आने का शौक नहीं है मुझे। अरे चलो, बहुत बोलते हो। कौन मैं के तुम? शट अप। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। अंजलि मेरे बॉयज तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हे करण, पहचाना इनको? अरे बिल्कुल, क्या हाल है भाई लोग, सब फर्स्ट क्लास। ये देखना चाहते थे कि इनके बॉस ने कैसी लड़की से शादी की है। ओके, तो कैसी लड़की हूँ मैं? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट। स्क्रीन टेस्ट पास। कम सिट। व्हाट अ नाइस प्लेस। अच्छा लगा? बहुत सिंपल है यार, ये बॉस को पसंद कैसे आई? अबे ये चश्मे लगाती है और बॉस को चश्मे से सख्त नफरत है। तेल लगे बाल, ढीले ढाले कपड़े, यार बॉस को ये हो क्या गया है? कहां हॉट और सेक्सी बेब्स की बात करते थे, कहां ये मिस चिपलू। चिपलू? अबे कुछ तो खास होगा इस चिपलू में, नहीं तो बॉस के साथ। अच्छा तो बताना, आपके बॉस को कैसी लड़की पसंद है? बिल्कुल आपके जैसी राजकुमारी, एकदम सिंपल, जिसने ऐसे चश्मे पहने हो। अच्छा, तभी उन्होंने मुझसे शादी की है ना? मैडम चलिए। पर तेरी पसंद अच्छी है। गुड। थोड़ी थोड़ी क्या? थोड़ी डिफरेंट है। ओह, बट स्वीट, वेरी स्वीट। अच्छा सुन, आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तेरी वेडिंग सेलिब्रेशन। हैप्पी मैरिड लाइफ, केक इज रेडी। How sweet! लेकिन ये बर्थडे किसका है? वेडिंग केक है। तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट रिमेम्बर? डोंट वरी, मुझे सब याद है। कुछ याद आया? थैंक यू। करण, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। अंजलि, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। अरे माइकल, अंजलि नहीं पीती। दिस ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, और ये मेरा एडवेंचर है, तुम्हारा तो हो गया ना अंडे टमाटर के साथ। अरे पीने देना यार, लेट हर एंजॉय। चीयर्स। मैं यूं ही खड़ी रही, जमी पे फलक बदन से
ताकत होती है, ब्याह में ही असली ताकत होती है। किसी बियर बैरन की बेटी लगती है जो बियर की इतनी मार्केटिंग कर रही है। करण, मेरा स्क्रीन टेस्ट पास या फेल? पास। गुड नाइट अंजलि। गुड नाइट ऐसे नहीं बोलते। अच्छा तो फिर कैसे बोलते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि बियर में ही असली ताकत होती है। Crazy girl. That's it. Press release भी तैयार, मोनिका। रवि, मीडिया कवरेज रिजॉर्ट के बारे में होनी चाहिए, तुम्हारे और करण के बारे में नहीं। जस्ट रिमेम्बर। यस मोनिका, प्रेस रिलीज में हमने रिजॉर्ट को ही हाईलाइट किया है। रियली? लेट मी सी, लेट मी हैव अ लुक। यू डोंट ट्रस्ट मी? बिजनेस में मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती। नाउ शो इट टू मी। पढ़ लो। ओके। नो, ये पांच लाइनें जो तुम्हारे और करण के बैकग्राउंड के बारे में है ना, इन्हें डिलीट कर दो। एंड व्हाई डोंट यू पुट समथिंग अबाउट माय पेरिस बैकग्राउंड इंस्टेड? अ पैराग्राफ एटलीस्ट। फ्रैंकली वो तुम्हारे और करण के बैकग्राउंड से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। MBA तो यूं ही कर लिया, कोई फायदा नहीं। मुझे तो पोएट्री और म्यूजिक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। और हाँ, स्क्रैबल खेलना भी। एनीवे, एंड में तो शादी करनी है। मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती रहती है मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, लेकिन जब अपनी पसंद बताती हूँ हंसती हैं। They think I'm crazy, पर वो मेरी पसंद है। ऐसा हस्बैंड जो मुझे बहुत प्यार करे और जिससे मैं भी बहुत प्यार करूँ। शादी के मंडप पे धोखा खाया फिर भी खुशी में सीटी बजा रहे हो, क्या बात है? ये कोई सड़ी सी लाइब्रेरी में काम करने वाली लड़की नहीं समझेगी, मिस चिपलू। डोंट एक्ट टू स्मार्ट। और तुम मुझे वैसे इतना घूर क्यों रहे थे? एक तो भगवान ने चेहरा ऐसा दिया है, और ऊपर से ये मोटे मोटे चश्मे और बालों में चमेली का तेल, अब ऐसी लड़की को कौन देखेगा यार। तुम खुद को समझते क्या हो? कम से कम इन चश्मों को तो उतार दो। अरे गाड़ी रोको। अरे यार, I said stop the car. सॉरी यार। अब ले आना दिले कोई और नकली बीवी। अंजलि, मेरी डील। तुम्हारी डील गई तेल लगाने और हनीमून घास चरने। और मोनिका? मोनिका गई बिल क्लिंटन के पास। रुको अंजलि। ओ बिल्ला, ओ बिल्ला, ओ बिल्ला। नखरे बल्ले बल्ले, दिलों का गुस्सा बल्ले बल्ले, ए मां जा अब तो बल्ले बल्ले, कर ले साथ नाल बल्ले बल्ले। दिलों के नखरे बल्ले बल्ले, दिलों का गुस्सा बल्ले बल्ले, ए मां जा अब तो बल्ले बल्ले, le saade naal balle balle, oh yeah be cool, oh yeah be cool, be cool. Hey.
जीते कोई और ना होनी सोनी तेरे लिए ता मैनू जीना मर जाना है मुंडा पंजाबी तेरी अखा दा दीवाना है दीवाना नखरे अरे बिलो दा गुस्सा ए मां जगब तो बल्ले बल्ले कर ले साडे नाल बल्ले बल्ले जान मेरी ताजाई वेखा जो आंदे जांदे ठीक सी ना तैनू इस में पसारा है मेरी आहो से तेरा दिल अनजाना है बिल्लो ते नखरे बल्ले बल्ले अरे बिल्लो ता गुस्सा बल्ले बल्ले ओ मां जगब तो बल्ले बल्ले करले साडे नाल बल्ले बल्ले सोचा गई, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो सो तुम कहीं नहीं जाओगी हाँ वो तो है पर तुम तो डर गए थे कि अगर प्रेस वहाँ से खाली हाथ गई और रिजॉर्ट की पब्लिसिटी नहीं हुई तो तुम्हारी पार्टनरशिप तो गई है ना और मोनिका तो तुम्हें वहाँ से निकाल ही देती है ना पूछ रही हो कि धमका रही हो जगह जगह धक्के खाकर मैंने अपने पैसे लगाए हैं इस रिजॉर्ट में अगर नहीं चला तो समझो मैं तो मरा ऐसा नहीं कहते मैं आ रही हूँ ना थैंक यू ड्रामा क्वीन लेकिन सिर्फ एक दिन क्या हाँ मैं ना तुम्हें तीन दिन नहीं झेल सकती प्लीज सॉरी सिर्फ एक दिन अरे दूसरे दिन कह देना बीवी मायके भाग गई चलो तुम्हारा ये एक दिन का एहसान थैंक यू यार बारिश को भी अभी आना था पूरा भीग कितना मजा आ रहा है ना मजा काय का मजा अरे अरे अंजलि कहाँ जा रही हो हाँ रवि शाम तक पहुंच जाएंगे यार हाँ हाँ दोनों आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस बजाज सी यू रवि बहुत खुश है All thanks to you, Anjali. ओहो, thanks बात नहीं करना। अभी यहाँ आओ। तुमने कभी बारिश का पानी पिया है? मुँह खोलो, मुँह खोलो। पागल हो गई हो क्या? दोनों भीग गए तो कपड़े कहाँ चेंज करेंगे? वो सब देखा जाएगा। अभी मुँह खोलो ना। देखा? तुम्हें सर्दी लग गई है। बच। और मुझे भी। चलो इधर आओ। चलो। मैं जीप से टॉवल लेके आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं। समझी? It's an order. तुमने बालिश में अकेली क्या कर लियो? तुमसे मतलब? और ये काले चश्मे क्यों लगाए हैं? ओह, तभी मैं कहूँ मुझे दिख क्यों नहीं ला? Oh God! चलो निकलो यहाँ से शू शू अरे मैं बालिंग में गीला हो जाऊंगा ना तो मैं क्या करूँ स्टूपिड इडियट चलो निकलो चलो ओह नो मैं फिर मिलूंगा मैं फिर आऊंगा हाँ ठीक है पर अभी निकलो जल्दी निकलो चलो चलो जाओ यहाँ से ये लो टॉवल थैंक
थैंक यू। कौन था ये नमूना? वो तो बस डायरेक्शंस पूछ रहा था, मैंने दे दिए। अच्छा, चाय भी होगी? हाँ प्लीज। भैया दो चाय बनाना। ये लो जी आपके कपड़े। थैंक यू। कितने अच्छे लोग हैं ना यार, हमें चेंज भी करने दिया अपने घर में। ये आ गया आपका चाय जी। थैंक यू। लो चाय भी आ गई और बारिश भी बंद हो गई। क्या हुआ, इस तरह घूर क्यों रही हो? वैसे तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? हॉट एंड सेक्सी बेब, जो मिनी स्कर्ट्स में मलिका शरावत लगे और साड़ी में माधुरी दीक्षित। वो गाना था ना, धक धक करने लगा, बस वैसे ही। कैसे ख्याल आते तुम्हारे, ऐसी लड़कियां ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, घर में खाना नहीं बना सकती। खाना किसे चाहिए, अपना तो खुद का होटल है और शेफ भी। मुझे तो बस ऐसी बीवी चाहिए जो दिन भर मेरे सामने मुस्कुराती रहे और मैं बस उसे देखता रहूं, जिसकी लेग्स हो 10/10 और कमर हो कोका कोला की बॉटल जैसी और उसकी मुस्कुराहट है। हेलो, क्या हुआ? कोई डरावना ख्याल आया? हाँ, भयानक। अब समझी कि तुम्हारी सारी दुल्हन तुम्हें छोड़ के क्यों भाग जाती है। तुम्हारी जैसा क्रेजी लड़का मैंने कभी नहीं देखा। उस सीक्रेट लाइब्रेरी में कितने लड़के देखे होंगे तुमने, वैसे भी इन चश्मों के थ्रू तुम्हें कुछ सही दिखता तो होगा नहीं। तुम मेरे चश्मे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम लड़कों को तो खुद नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या। किसी को चाहिए एक हॉट सी बीवी जैसे कि कोई पिज्जा हो, और किसी को चाहिए एक सीधी सादी साड़ी पहनने वाली घरेलू पत्नी, और किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन, और किसी को कुछ। और फिर भी तुम लोग दूसरी लड़कियों को देखना नहीं छोड़ते। तुम लड़कियां भी कुछ कम नहीं हो। ए, हमारी बात मत करो। हाँ, हमें तो पता है कि हमें 100% एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्या चाहिए? अमीर, गुड लुकिंग हंक्स, प्यार, सिर्फ प्यार। लिसन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी गाड़ी भी ऐसी सजनी चाहिए? आखिर डोली लेके जा रहे हो यार। पर यहाँ का फूल मिलेंगे? देशीज, मैंने कहा था ना यहाँ फ्लोरिस्ट है। करण, स्टॉप। कम ऑन। अरे आ रहा हूँ बाबा। एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून। हाउ प्रिटी एंड कलरफुल। All for you, my dear. All for you. अच्छा बताओ, कैसे बुके बनाओ? रोज़ेस का या फिर ऑर्किड्स का? Actually, ma'am, हमें ये जीप से जानी है। Oh, I see. Newly married, huh? Here, take these. Good? Lovely, thank you. 50 साल बाद, After 50 years, तुम दोनों ने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? Excuse me? आप क्या कह रही हैं? 1960 में तुम दोनों यहीं पे आए थे मेरे पास फूल खरीदने, रिमेम्बर? इंटरेस्टिंग, आई थिंक शी इज अ बिट क्रेजी। तुम्हारी फैमिली से लगती है। आई एम नॉट क्रेजी माय डियर। तब मैं सिर्फ 20 साल की थी और तुम दोनों की शादी होने वाली थी, और इसी तरह तुम एक गाड़ी मेरे पास लेके आए थे सजाने के लिए, रिमेम्बर? मैम, शायद आपको गलतफहमी हुई है, हमारी तो शादी भी नहीं हुई। Yes, and we're definitely not in love. हम दोनों तो कल ही मिले हैं। Hey, one minute. You don't believe in reincarnation? पुनर्जन्म? Past life? मैम, हम तो इस जन्म में भी बिलीव नहीं करते। चलो अंजलि, चलो, वरना ये अगले जन्म का भी प्रोग्राम फिक्स ना करते। No offense, ma'am, but we're really not married. और प्यार वो तो दूर की बात है। In fact, हम दोनों तो सबसे non-compatible couple हैं। Non-compatible? तुम्हें क्या पता कल क्या होने वाला है? चलो। 50 साल पहले, मतलब अब ये 70 की होगी है ना? तुमसे ज्यादा सेक्सी लगती है। तो इसे ही ले जाओ ना अपने साथ रिसॉर्ट। अरे अंजलि, 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 यार तुम भी स्वीट हो। हाँ हाँ, पर मैं सेक्सी नहीं हूँ ना। हो जाओगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओ,
एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने पुनर्जन्म की बात कही, क्या वो सच में? अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि इसके बिना तुम जी नहीं सकोगे, तो समझ लेना कि जन्म जन्म का साथ है, इटर्नल लवर्स। ओके, एनीवेज थैंक्स, बाय। थैंक यू एंड गुड लक। बाय बाय मैम। ग्लोरिया डी कोस्टा, वाओ, यू आर ग्रेट मैन। छोटी सी कहानी सुनाई और इतने सारे पैसे। अब इनको कौन सी कहानी सुनाओ? यस। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ये सारी चीजें शाम तक हो जानी चाहिए। yes, और ये रमेश कहाँ है? दिख नहीं रहा। रमेश? रमेश? रमेश इज फायर्ड। रमेश इज फायर्ड? यस। हाउ मोनिका, हाउ कैन यू डू दैट विदाउट आस्किंग मी? जो मेरे रूल्स फॉलो नहीं करता है, ही इज फायर्ड। और इसके बारे में मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सी यू लेटर। ब्लडी हेल। बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? रब ने बना दे जोड़े, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट ले रही थी। मेरा स्क्रीन टेस्ट? ओह गॉड। अच्छी लगती हो, पर सिर्फ 20%। 20%? इन बालों में अगर चमेली का तेल लगाना बंद कर दो तो। अपनी असली बीवी से कहना, अगर कभी मिले तो। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? हा? वो हमारी मंजिल से। हमारी मंजिल? हाँ। वाव, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने इतनी खूबसूरत जगह आज तक नहीं देखी। मतलब मुझे भी थोड़ा तैयार होना पड़ेगा ना, दुल्हन बनना पड़ेगा। एक काम करो, तुम इस साइड आओ। संभाल के। मामा की इंट्यूशन सही निकली कि ये दुपट्टा मेरे लिए बहुत लकी होगा। पर तुम्हारे मॉम का दुपट्टा आज इतना लकी कैसे हुआ? मामा ने सोचा शायद कभी मुझे भी कोई मिल जाए। तो कोई मिला? हाँ, पब्लिसिटी के लिए क्यों नहीं। डोंट वरी, तुम्हें एक दिन ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। आई नो, आई एम श्योर ऑफ दैट। ये दुल्हन चलेगी मिस्टर बजाज, देखो तेल वाले बाल भी छुपा दिए। थैंक यू अंजलि, पर ये चश्मे जरा। डोंट पुश योर लक, चलो गाड़ी चलाओ। ओके। तुम कितने लकी हो, इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हो। हाउ रोमांटिक। लेकिन ये जगह मेरी नहीं रहती अगर तुम एक दिन के लिए मेरी दुल्हन ना बनती। एक दिन नहीं करण बजाज, 3 दिन। हाँ?
Come, meet my staff. Welcome, sir. Thanks. Thank you. Hello, sir. विजय मोनिका मैम कहाँ है? मालूम नहीं सर. वेरी स्ट्रेंज, आज ही दोनों को बाहर जाना था. कोई जरूरी काम आ गया होगा. हेलो हेलो. वेलकम मैम. थैंक यू. थैंक यू. हेलो सर. करण, ये तो जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही अंदर से. थैंक यू मैम. इट्स ब्यूटीफुल, नाइस फ्लावर्स. तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? और फूलों के साथ हम भी वेलकम होम मिस्टर एंड मिसेस बजाज. तेरी चॉइस तो लगती नहीं, पर हमें क्या अपना काम हो जाए. तीन दिन की तो बात है. हेलो गॉर्जियस, आई एम रवि. हाय करण इज जली वेरी लकी. हाय आई एम मोनिका. हेलो मोनिका, मीट माय वाइफ. इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. वेलकम होम प्रीति. मोनिका प्रीति नहीं, अंजलि. नाम में क्या रखा है. A chameli is a chameli, whatever name you call it. But Karan's a very lucky man. कम से कम वो बियर पीने वाली और मिनी स्कर्ट पहने वाली लड़कियों से तो छुटकारा मिला. मोनिका अब अब सफर से काफी थक गए होंगे. They should rest. सफर तो अब शुरू होगा. दो बार लड़की इसको छोड़कर भागी थी. एक बार मैं भी भागा था. मोनिका बस प्लीज. और ये रवि, शादी तो क्या, ये तो लड़कियों से ही भाग जाता है. Sometimes I really wonder if he's okay. business मैं संभालता हूँ. शादी ये अब जो परिचय सबसे हो गया तो अंदर चले. yeah okay let's go. let's go, let's go. चल चल चल. ओए क्यों, मेरा स्क्रीन टेस्ट कैसा लगा? सुपर हिट. I wish it is. आओ तुम्हें आज अपने एक खास मेहमान से मिलवाऊं. ये हैं मिस्टर दयाकर प्रेमकर. लेकिन ना तो इनमें दया है ना प्रेम है. बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कई होटलों के मालिक. यहाँ मेरे रिजॉर्ट की रेकी करने आए हैं. दैट वन देयर. हमारा रिजॉर्ट. ऑफ कोर्स हमारा रिजॉर्ट. दयाकर जी, आई'd लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय पार्टनर्स. देख रहा हूँ मिस मोनिका, देख रहा हूँ. और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरी इकलौती बेटी एक वेटर से शादी करके अपना हनीमून मनाने यहाँ चली आई है. हाउ डेयर यू अंजलि, अपने बाप से इतना बड़ा धोखा. पापा? किसका पापा, कैसा पापा? इसका पापा और तुम्हारा ससुर. शॉकिंग, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा. आई कांट बिलीव. सोलह साल की उम्र से तुम्हें घिसे पिटे कपड़े पहनाए, मोटे मोटे चश्मे दिए, बालों में तेल लगवाया ताकि कोई लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठा करके ना देखे. आई मेड यू अगली, अंडरस्टैंड, अगली अगली. फिर भी इस करण बजाज ने तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी भी की. क्यों, वाई, क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? एक लाइब्रेरी खोली ताकि मेरी बेटी को कहीं और जाकर नौकरी न करनी पड़े. क्यों? क्योंकि एक दिन मेरी बेटी ने कहा, पापा, I want to be independent. आप उस लाइब्रेरी की घुटन को इंडिपेंडेंस कहते हैं? जब पूछो अपने दोस्तों से, किसी के माँ बाप ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी खोली अपनी औलाद के लिए. आपको मेरी शादी से प्रॉब्लम है या लाइब्रेरी से? दोनों से. मुझे एक बात बताओ, लाइब्रेरी के अंदर अनपढ़ लड़का तुमको मिला कैसे? लाइब्रेरी में नहीं, मुझे तो सड़क से मिला था. सड़क छाप, ब्लडी कैरो फुटपाथ. शादी करी भी तो एक सड़क छाप बारटेंडर से, जिसकी ना कोई क्लास है, ना कोई स्टेटस है, ना कोई अता है, ना कोई पता है. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इस करण के चक्कर में तुम फंसी कैसे? Well. By the way, पापा, करण तो मेरे दिमाग, मेरी इंटेलिजेंस पे गया है, जिसे आप मोटे चश्मे और तेल वाले बाल के पीछे छुपा ही नहीं सकते. और हाँ, करण बारटेंडर था, अब तो बिजनेस टाइकून है.
ए, लोगों को लूट के किसी को उल्लू बनाकर पार्टनरशिप में होटल खोलने से किसी की औकात नहीं बदल जाती। बेचारी मोनिका को मिलकर लूट रहे हैं दोनों। चिल्लाइए मत। रोज अखबार में पढ़ते हैं किसी की बेटी ड्राइवर के साथ भाग गई, किसी की वॉचमैन के साथ और किसी के मालिक के साथ, और ये तो बारटेंडर है, बहुत बड़ी पोस्ट है। क्यों परेशान हो रहे हैं तुम उस दो कौड़ी के लड़के के लिए? मुझे पापा, दैट्स माय हस्बैंड यू टॉकिंग अबाउट। और हाँ, आप हम दोनों को परेशान ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हम तो यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। करण तू पागल हो गया था क्या? उसके बाप को क्यों बुलाया तूने यहाँ? अबे मेरे को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उसके बाप को बुलाऊंगा? पता नहीं किधर से अटपका वो। दयाकर को मैंने बुलाया है। उसने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे से शादी की है। वो जानता है कि तुम एक रईस बाप की इकलौती बेटी हो। शादी तो हो गई पर हनीमून नहीं होगा। मतलब ये कि मैं तुम्हें यहाँ से कुंवारी लेकर वापस जाऊंगा, तुम्हारा डिवोर्स कराऊंगा और फिर अक्षय से तुम्हारी शादी करूंगा। पापा, पापा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करूंगा। प्रेस को भी एक अच्छी स्टोरी मिल जाएगी। आज तक की हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, BKBBG, बार्टेंडर की बीवी भाग गई। पापा प्लीज, करण के बिजनेस का सवाल है। अरे काहे का बिजनेस? आप ही का बिजनेस, करण भी तो होटेलियर है। अब मैं समझी। That's why you're so jealous. Jealous? मी? अरे मैं काहे को जेलस होने लगा? मैं उस लड़के को एक मिनट में खत्म कर सकता हूँ। Watch me. कल शाम को हमारा रिसेप्शन है, जरूर आइएगा। रिसेप्शन हो जाने दो, फिर देखना दया कर प्रेम कर का कमान। You know, Karan, I always dreamt of this. It's awesome. ऐसा लगता है हम बिल्कुल जन्नत में आ गए हैं। करण, I love this place. अंजलि, तुम्हारे पापा ने क्या कहा? कुछ नहीं। अंजलि, क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? पापा चाहते हैं कि हमारा हनीमून ना हो। वो तो वैसे भी नहीं होने वाला। हाँ, but पापा is crazy, हाँ? वो चाहते हैं कि मैं एक idiot से शादी करूँ। Wait a minute. अक्षय, जरूर वही पापा को यहाँ लाया होगा, उसकी तो मैं। अरे वेट 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 वेट, अपने पापा के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। 3 दिन का वादा किया है तुमसे। After all, नकली दुल्हन ही तो हो। हाँ, पर वादा तो असली है ना, पूरा तो करना पड़ेगा। थैंक्स अंजलि, यू आर स्वीट। हाँ रवि, वो सब हो गया था यार। हाँ, थैंक्स अंजलि, यू आर स्वीट। वैसे है तो बहुत स्वीट, एंड आई थिंक मुझे अच्छा भी लगता है, पर मैं उसके टाइप की नहीं हूं ना, लेकिन बन तो सकती हूँ। अंजलि, प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? प्रेस वाले टाइम से पहले ही आ गए। तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी तो नहीं हुई अभी तक। ट्रेनिंग? मुझे नहीं पता था हनीमून की भी ट्रेनिंग होती है। हाय देयर। ओह, हेलो अंजलि, आओ बैठो। एक्चुअली मिस मोनिका, वो करण कह रहा था कि सिर्फ मोनिका। राइट, मोनिका करण कह रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मोनिका, मुझे करण की पसंद बना दो ना। अरे वो तो तुम हो। नहीं, मुझे ना ओवर पसंद बनना है। ओवर पसंद? वो क्या होता है?
जैसे ओवरटाइम होता है ना, बस वैसे ही, कुछ और भी ज्यादा। मुझे पता था करण लव मैरिज ही करेगा। कम ऑन, लेट्स गो एंड सी व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर टुनाइट। ओके, डू यू वांट टू सी सम ऑफ माय थिंग्स? कम ऑन। हनीमून? कौन सा हनीमून? कैसा हनीमून? किसका हनीमून? मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है अक्षय, अंजलि ने करण बजाज के साथ शादी कर ली। ये क्या हाल है सर जी? आपने तो मुझसे कहा था कि अंजलि की शादी आप मुझसे करवाएंगे। अपने आप को संभालो अक्षय, मुझ पर भरोसा रखो। मैं जल्द से जल्द अंजलि को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा और फिर उसकी शादी तुम्हारे साथ करूंगा। पल वो तो सेकंड हैंड हो जाएगी ना सर जी। ऐसा नहीं होगा अक्षय। ऐसा नहीं होगा, मैंने बोला नहीं होगा। ब्लूप्रिंट का क्या होगा? इस लव्स को यहाँ नहीं बोलना, वरना ये लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तुम भी सेक्सी लग सकती हो, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोनिका, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। क्या आपको लगता है करण मेरे साथ शादी करके खुश है? मैं करण को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसने जरूर सोच समझ के तुम्हें पसंद किया होगा। पता नहीं किसने किसको पसंद किया है। अच्छा, अब समझ में आया, तुम जानना चाहती हो कि करण तुमसे कितना प्यार करता है ना? एक्चुअली मैं करण के टाइप की नहीं हूँ ना, यू नो, हॉट एंड सेक्सी। उसे तो उस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। वो तो पागल है। हाँ, वो तो है। मोनिका, मैं करण के टाइप की नहीं बन सकती। जिस लड़की में भोलापन हो ना, वो किसी का भी दिल जीत सकती है, और तुम तो बहुत भोली हो। Look at this color. Karan loves this color. Just try it. और क्या पसंद है करण को? और ये लंबी बिंदी। और? और पायल। अच्छा, तुम ये सब पूछकर करण की पसंद से तैयार होना चाहती हो? क्यों? तुम्हें नहीं पता है उसे क्या पसंद है? नहीं, पर मुझे पता है उसे क्या नहीं पसंद है। क्या? ये मोटे चश्मे। तुम करण से बहुत प्यार करती हो, है ना? Between you and me, yes. God bless you both. शादी में कई मिनिस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड स्टार्स आए थे। अंजलि के पेरेंट्स ने काफी ग्रैंड वेडिंग दी। After all, it's a royal family. और हमने सोचा क्यों ना, हमारे रिजॉर्ट के मालिक अपनी प्रिंसेस अंजलि के साथ अपना हनीमून अपने रिजॉर्ट में मनाएं। After all, Honey and Moon Resort is the best, isn't it? मैं दुनिया के किसी भी हिल स्टेशन या बीच रिजॉर्ट पे जा सकता था। I could have gone anywhere in the world, but there's no better place than Honey and Moon Resort. Yes, I agree. The love, man. Well, it was a lovely marriage. Mr. Karan, आपकी वाइफ कौन से स्टेट की प्रिंसेस हैं? रोपड़ के पास एक स्टेट है, है ना? हाँ, महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत है, है। अंजलि की लोगों में महाराजा मंजीत सिंह का ही खून दौड़ रहा है। She's a royal beauty. अबे इतना भी मत फेंक हैं। अंजलि को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा। पक्का भंजिला। चश्मे कहाँ गए? मोनिका तो सच में बहुत स्मार्ट है, झट से लेंसेस मंगवा दिए। Isn't she looking lovely? Very. Now go on, Anjali.
This is your night. Dazzle them all. अब तो और भी गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पापा पे. फेंक दो उन चश्मों को. I just hate चश्मास. तीन दिन बाद तो वापस जरूरत पड़ेगी. इसलिए संभाल के रखे हैं. Mrs. Bajaj, mind please. This way, ma'am. Thank you. I'm here to introduce to you the lovely Mrs. Karan Bajaj. अक्षय माय बॉय. जी सर. लगता हूँ ना करोड़पति. सर एकदम. ये फ्लैंच बियर लगा के तो आप एकदम करोड़पति लगते हो. सर आप लोग कौन? ना पेरु बॉन्डो, जेम्स बॉन्डो. ना दगरा ये वरना ना चंपे लाइसेंस उन्दी. क्या सर? My name is Bond, James Bond, and I have a license to kill. सर मैं कुछ समझा नहीं. मेरा नाम है बॉन्ड. जी. जेम्स बॉन्ड. मेरे पास कत्ल करने की इजाजत है. प्लीज सर. थैंक यू सर. मिसेस बजाज, मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में आपका क्या विचार है? इन इंडिया मैरिज इज आर मेड इन हेवन. और वैसे भी मैं तो बहुत ही ओल्ड फैशन हूँ, इसीलिए रोमांस में बिलीव करती हूँ, है ना करण? Of course, I agree with her. Ravi, I'm really happy for Karan. This is really what they call true love. I'm so glad कि तुम ये बिलीव करती हो. Oh. अबे आँखों में आंसू तो मेरे आने चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? सर मेरी बीवी किसी और के साथ, मुझसे देखा नहीं जा रहा सर. सुनो, बिजनेस के बारे में सोचो, ये पत्नी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है. सत श्री अकाल जी. Myself बलवंत सिंह. Balwant Singh from Canada. Sister Kal Siddharji, my name is Bond, James Bond. आप यहाँ पे नाटक देखने आए हैं? नहीं जी, नाटक देखने नहीं, हमारे तो दोस्त की रिसेप्शन है. हम तो रिसेप्शन अटेंड करने आए हैं. वैसे आपका आज कोई मैजिक शो है? मैं लड़की कबाब. लेकिन आपकी शक्ल देख के लगता नहीं जी हमारी इतनी खूबसूरत भाभी आपकी बेटी हो सकती है. Idiot. Don't mind. Okay. Take care. Bye. Ravi, ये दयाकर यहाँ क्या कर रहा है? Best है. क्यों? एक नंबर का बदमाश है ये. सिंगापुर में जो रिजॉर्ट बनने जा रहा है उसके लिए ये भी ट्राई कर रहा है. Really? उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है. मोनिका जी, मोनिका जी. Yes. मुझे आपसे. आप दयाकर तो नहीं है डिस्गाइज में? जी हाँ. मुझे आपसे एक बात कहनी है. बोलिए. अंजलि मेरी इकलौती बेटी है. All right. और मेरी इकलौती पत्नी. Who is this? क्या कह रहा है यार? हाँ यार. Excuse me. Thank you. अरे मुझे तो शक हो रहा है कि बाप बेटी दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं. वैसे भी अंजलि को तो रस्सी से उठाकर लेकर आया था ना. अरे यार दयाकर चालू हो सकता है, होशियार नहीं. वो तो वेट कर रहा है कि कब अंजलि को वापस ले जाए और उस इडियट अक्षय के साथ उसकी शादी करा दे. तो खुद ही सोच, वो कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो अक्षय जैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करा सकता है. नहीं यार, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जरूर करेगा. डोंट वरी यार, चल उस बुड्ढे को तो मैं देख लूंगा. कैसे? शांति भाई याद है? हेलो मिस्टर सिंह, आपकी आपकी पत्नी नहीं आई? वो कहते हैं ना जी, जब कोई नागपुर जाता है संतरे साथ थोड़ी लेके जाता है. वैसे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करने आया हूँ जी. आपने तो ये मतलब अंजलि का रंग रूप ही चेंज कर दिया, नक्शे ही बदल गए हैं. पहचानी नहीं जी आ रही. Of course I love him and this is where I'll be staying. You are a beautiful girl. Thank you. Miss Anjali Premkar. That's Mrs. Bajaj. Papa. Oh, can you excuse us please? ये दाढ़ी मूछ लगा के क्या नौटंकी कर रहे हैं आप? तुमने पहचान कैसे लिया मुझे? ऐसे 10 रिसोर्स खरीद सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए. पर मेरा पति तो एक ही है ना पापा. तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा. Shut up, idiot. कनाडा जाने से पहले पहले ना भगवंत कौर को भी आपसे क्लासें लेनी पड़ेंगी. क्लासें? क्लासेस. ओह, यू मीन क्लासेस. आप मेरी बीवी को परेशान क्यों कर रहे हैं? और अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं तो? दयाकर जी, और अगर मैं किसी रिपोर्टर को रिपोर्ट लिखवा दूं तो? अपना अतीत भूल गए हो वेटर. स्टॉप इट पापा,
तुम आज रात को इसके कमरे में जाकर नहीं सोगी, समझी तुम? करण डार्लिंग? यस डार्लिंग। मोनिका कहाँ है? हमारा बेडरूम सजा रही है डार्लिंग। कम। हमारा बेडरूम सजा रही है। अक्षय, आज हमें अपने दोनों मिशन पूरे करने। मिशन नंबर 1, नो हनीमून। मिशन नंबर 2, ब्लूप्रिंट। गो गेट इट। सॉरी सर, सॉरी सर, आप जाके चेंज करिए, तब तक मैं अंजलि पे नजर लगता हूँ। इडियट। क्या युग आ गया जी, लड़कियों ने शराब शुरू कर दी। लड़कों, वो काका जी इतनी बढ़िया पार्टी चल रही है यार, कोई रौनक शौनक ही नहीं लग रही है। तो पाजी फिर दिखा दो अपना कमाल। ओ मुंडे हो जाओ भाई चालू। जोर का धक्का, चलो चलो जब प्यार का झटका, दोनों मनों में शोला भड़का, बड़की चिंगारियां। ठंड में गई मैनू, ठंड में गई, ठंड में गई मैनू, ठंड में गई, ठंड में गई मैनू, ठंड में गई, ठंड में गई दिल विच, ठंड में गई। दिल को लग गया जोर का धक्का, चलो चलो जब प्यार का झटका, दोनों मनों में शोला भड़का, इश्क मोहब्बत प्यार की गल कर ले मेरे गारा, तेरे नैन दे झटकारेगा के मैं तो सब कुछ हारा। इश्क मोहब्बत प्यार की गल कर ले मेरे यारा, तेरे नैन दे झटकारेगा के मैं तो सब कुछ हारा। दिल दे के कर ले ये है प्रॉफिट का सौदा, दिल दे के कर ले ये है प्रॉफिट का सौदा। एक नजर तू डाल के कर दे मेहरबानियां। ठंड में गई मैनू, ठंड में गई, ठंड में गई मैनू, ठंड में गई, ठंड में गई मैनू, ठंड में गई, ठंड में गई दिल विच, ठंड में गई। जिगर तू ही है जाने जाना, यकीन कर ले आशिकी पर मैं तेरा दीवाना। बेखबर जाने जिगर तू ही है जाने जाना, यकीन कर ले आशिकी पर मैं तेरा दीवाना। नजर नजर से मिलने दे यह प्यार का फंडा, नजर नजर से मिलने दे यह प्यार का फंडा। अगर मगर मैं बीत न जाए ये जवानियां। ठंड पे गई मैनू, ठंड पे गई, जोर का धक्का, चला चला जब प्यार का चक्का, तनु मन में शोला भड़का, बड़की चिंगारियां। अक्षय, तूने ज्यादा क्यों पी? कहां हो दोनों? हनीमून है सर, रोमांस कर ले होंगे। इडियट, अब मुझे कुछ करना होगा। दया कर प्रेम कर। डिनर किया? करोगे? चल हट। क्या? डिनर प्रेम कर। यू नो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ फिर सब कुछ भूल जाता हूँ। यू आर माई ब्लैक मैजिक वुमन।
प्रियंका, तुमने मूनलाइट में किया? क्या वो प्रेम कर? चलो चलो चलो, अंदर तुम घूम जाओ। सलजी तो गए काम से। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। नहीं जगा है ना, इसलिए। वॉक पे चलोगी इस वक्त? अरे चलो ना, रात को मेरा रिजॉर्ट और भी खूबसूरत दिखता है। ओके। सीरियसली, तुम्हारे रिजॉर्ट का एक चक्कर एटलीस्ट 10 किलोमीटर का होगा। कैन यू हियर एनीथिंग? क्या कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा? शायद कोई प्रेस रिपोर्टर हो। चलो उसे कुछ मसाला देते हैं, अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। जानती हूँ, तुम्हारे लिए तो ये सब सिर्फ पब्लिसिटी है। अब पब्लिसिटी तो सिर्फ एक बहाना है। अंजलि, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रुको अंजलि, पहले मुझे इसे अंदर रखने दो। अंजलि बेटा, नींद नहीं आ रही ना? ओ गॉड पापा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बचपन से तुम्हें रात को मेरे साथ स्क्रैबल खेलने की आदत है ना? पर अब इसकी आदतें बदल चुकी हैं ससुर जी। पर मेरी तो नहीं बदली है। इसीलिए मैंने सोचा, जब तक बाप बेटी स्क्रैबल की ये गेम नहीं खेल लेते, मुझ बेचारे को नींद नहीं आएगी। पापा आप भी ना, चलिए आप ही के रूम में खेलते हैं सुबह तक। हाँ बाय मिस्टर बजाज, मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है। चलो बेटी। गुड नाइट अंजलि डार्लिंग। जब ये रिजॉर्ट पॉपुलर हो जाएगा ना, तुम बहुत याद आओगी। पहले तो तुम ये सोचो कि मेरे जाने के बाद प्रेस को क्या जवाब दोगे। तब की बात तब देखी जाएगी, अभी तो तुम हो ना। हाँ रवि, क्या? अच्छा ठीक है, हाँ हो जाएगा। क्या हुआ? एक फ्रेंच मैगजीन का फोटो शूट है। नो प्रॉब्लम। पूल साइड पे। नो प्रॉब्लम। और तुम्हें बिकिनी पहननी है। नो व्हाट? देखो हमारी डील में कोई बिकिनी की बात नहीं हुई थी। हाँ तो अब हो रही है। अब सलवार कमीज पहन के तो पूल में नहीं जा सकती ना। आई एम सॉरी करण, मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी। और अगर पापा को पता चल गया उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर तो जरूर पहनो। कम ऑन अंजलि, ये इंटरनेशनल मीडिया है और हैवी कवर पेज के लिए, प्लीज। यू आर इम्पॉसिबल करण बजाज, कभी तो मेरे बारे में भी सोचो। अरे करण ये सब तू क्यों रखवा रहा यार? और कितनी पब्लिसिटी चाहिए यार? एक काम कर, कल सुबह प्रेस को भेज दे और मैं अंजलि का भी थैंक्स कर देता हूँ। अरे क्या बोल रहा है तू? कल रात तेरे स्वीट में एक इंटरनेशनल कवर शूट होने वाला है। स्वीट में? हाँ। कैसी तस्वीरें? अरे कैसी तस्वीरें मतलब, अरे वही इंटीमेट टाइप्स, लवी डवी वंस। अभी अभी तेरी शादी जो हुई है। हा? क्या शादी शादी लगा रखा है यार, तू तो सब जानता ही है ना। नहीं रवि, मुझसे और ये सब नहीं होगा। कवर पे ऐसी तस्वीर है, आफ्टर ऑल उस लड़की की जिंदगी का सवाल है यार। तू ही तो उठाकर उसे लाया था। ठीक है मैं पैरी अंकल से बात। ठीक है तो मैं भी अपना काम कर लूंगा। मैं जाकर दयाकर के कान में डाल लूंगा कि तेरी और मेरी भाभी का एक रोमांटिक कवर शूट होने वाला है। फिर देखना तेरे ससुर का हाल है। तेरी पहली रात मैंने अपनी बेटी के साथ स्क्रैबल खेली, आज पूरी रात ज्योति उस पर नजर रखेगी और तीसरी रात होने से पहले
मेरी बेटी वापस अपने घर पर होगी। देखकर आई थिंक यू आर अ कूल डैड। अंजलि, आज रात मेरे साथ अर्ली डिनर करोगी? एनीथिंग स्पेशल? हमारे रेस्टोरेंट से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। सनसेट? हाउ डिप्रेसिंग। मुझे तो सनराइज पसंद है, यू नो, इट शोज अ न्यू बिगिनिंग। सनसेट से तो ऐसा लगता है जैसे बस जिंदगी की शाम हो गई हो। वेल, डोंट वरी, तुम्हें यहाँ पे सनसेट जिंदगी की शुरुआत ही लगेगी। आई प्रॉमिस, सिर्फ हम दोनों। लेकिन करण, पापा हमें अकेला नहीं छोड़ने वाले। वैसे अगर तुम्हारे पापा को ना पता चला तो तुम आओगी? समझो तुम्हारे पापा का काम हो गया। वो कैसे? देखा है कभी इतना खूबसूरत सनसेट? पलक झपको और रात हो जाए, फिर जहां से चाहो एक नई शुरुआत कर लो। यू सी, इट्स ऑलवेज अप टू अस। नॉट ऑलवेज। यू आर रियली नाइस करण, पर डोंट माइंड। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आता बाकी लड़कियां तुम्हें छोड़ के क्यों भाग गई। एक बार मैं भी भागा था ना। एनीवेज, जो हुआ अच्छा ही हुआ, तुम मिली और मेरे रिजॉर्ट की अच्छी पब्लिसिटी भी हो गई। तुम रिजॉर्ट के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? यस, कुछ भी। फिर भी मुझे वो स्टेटस और क्लास नहीं मिला जो रवि और तुम्हारे पापा के पास है। करण, रवि सूद और मेरे पापा जैसे लोगों ने तुम्हारे जैसे मेहनत नहीं की। उन्होंने तो बस अपने परदादाओं के इनहेरिटेंस पे बिजनेस किया है। उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं जो तुम्हारे पास है। करण, यू ट्रूली आर अ मैन ऑफ सब्सटेंस। Come on guys, let's shoot.
Good shot. Let's pack up. कुछ कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? पता नहीं कैसे कहूं तुमसे. क्या करण, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो. यू आर वेरी काइंड अंजलि. ये तुम्हारी अच्छाई बोल रही है, पर बहुत जल्द तुम रियलाइज करोगी कि मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ. फिर क्या होगा, एक और लड़की मुझे कॉम्प्लेक्स देके भाग जाएगी. एक बार तुम भी भागे थे ना. करण, क्या तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं कि कोई लड़की तुमसे सच में प्यार कर सकती है? मेरे विश्वास करने ना करने से क्या होता है अंजलि, तुम दयाकर प्रेमकर की बेटी हो और कल सुबह अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी. गॉड करण, इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. यू नो व्हाट, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम. तुम ही किसी लड़की को प्यार करने से डरते हो. अच्छा, सनराइज देखोगी मेरे साथ? व्हाट, अ न्यू बिगनिंग इन योर वर्ड्स? फॉरगेट इट. वहां से सनराइज बहुत खूबसूरत दिखता है. रियली? तुम्हारी तरह लाल पीला. इनवाइट कर रहे हो या गुस्से की तारीफ? जैसे तुम ठीक समझो. करण, मेरी तबीयत को क्या हुआ? ए बजाज, अंजलि कहाँ है? कुछ नहीं, अंदर लैटरिन में उल्टी कर रही है. उल्टी? Oh my God, my only daughter is doing उल्टी. My only daughter is doing उल्टी. Oh my God. पूरा कार्टून है. उल्टी. करण, उल्टी. क्या हो गया यार, मैं तो शोर सुन के भाग के आया हूँ. कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा बेहोश हो गए. क्यों? वो अंजलि को उल्टी आ गई और ये उल्टी अंजलि को. मुबारक हो मेरे यार, खुश कर दिया शेरा. दयाकर जी, नाना बनने वाले. नो 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 नो. सरदार जी, माय ओनली डॉटर इज डूइंग उल्टी. ये सब कैसे हो गया? ये सारा प्रोसीजर तो आपको यही बता सकता है. बताओ भाई, ये सारा कैसे हो गया? अब ससुर जी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता ना, ये कैसे हो गया. वे, वो तेरी, वो काका बोलने लग गया जी, सो स्वीट. बोलने लग गया. इसकी बोलती तो मैं बंद करूंगा. आई नो मेनी गुड डॉक्टर्स, सबको काम पे लगा दूंगा. माय ओनली डॉटर इज डूइंग गुड्डी. माय ओनली डॉटर इज डूइंग गुड्डी. My daughter only is doing उल्टी. पता नहीं मुझे क्या हो गया था. कमाल है, तुम पूछ रही हो क्या हो गया, तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं कैसे हो गया. पापा, क्या कहा उन्होंने, क्या कैसे हो गया? ओ अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ. अब तो हमें जल्दी शादी करनी पड़ेगी. शादी करनी पड़ेगी मतलब? तुम माँ बनने वाली हो अंजलि, तुम माँ बनने वाली हो. How? Why? When? बियर में ही असली ताकत होती है. तुम्हें याद नहीं उस रात रोमियो बार में? गुड नाइट ऐसे नहीं बोलते. तो फिर कैसे बोलते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे. कुछ याद आया? I'm such a bad girl. And you, you Karan Bajaj, you're horrible. अरे चुप, मजाक कर रहा था यार. अगर मजाक कर रहे थे तो मुझे उल्टी क्यों आई? अरे पेट खराब हो सकता है यार, फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तुम लड़कियों को तो एक ही वजह लगती है उल्टी की, मैं माँ बनने वाली हूँ जी. ये सब हिंदी पिक्चरों में होता है यार. यू आर फाइन अंजलि, सीरियसली चिल. लेकिन पापा इज नॉट फाइन. तुम्हारे पापा तो कभी भी फाइन नहीं होते. और क्यों ना, आफ्टर ऑल बेटी की जिंदगी का सवाल है. लेकिन अगर बेटी की मर्जी हो तो. बहुत अच्छी हो अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो, सबसे अलग, सबसे स्वीट. तुम्हें कैसे पता? कल सुबह बताऊंगा. आ स्पेशल मोमेंट. यू नो जानू, बस तुम ही एक हो जो मेरा टेंशन दूर करती है. शांति, इधर चलते हैं, चलो. शांति, घर चलो, बच्ची बीमार है.
क्या क्या हुआ मुन्नी को? बच्ची को मिर्ची लगी है। एक्सक्यूज मी, ये शांति कौन है? मैं हूँ शांति। कौन सी बच्ची, किसकी बच्ची? अरे मेरी बच्ची, उसको मिर्ची लग गई है। देखिए, सॉरी, आप करण से कह देना मुझसे और नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? अरे ये नाटक, तेरे को बिजी रखने का ठरकी बुड्ढे है। तू उनके हनीमून में रोड़े हटा रहा था ना। सीधा जाओ जी। तेरा बना हुआ है चलता ठरकी बुड्ढे, ठरकी भरे पड़े। हाँ जवानू, मेरी जानू किसी और की शांति कैसे हो गई? हाँ वो कौन है? हमारे एमडी साहब। एमडी जी? मतलब ये होटल उस धोखेबाज का है? उस धोखेबाज का? Excuse me, sir. जी आप इस धोखेबाज को कैसे जानते हैं? क्यों, आपकी इससे क्या दुश्मनी है? ये दामाद है मेरा। हाँ? बस ये किताब रख ले करण भाई, तू बस तेरे बड़े काम आएगी देखना। इसके ना चैप्टर नंबर 5 पे लिखा है न्यूली बॉर्न बेबी को कैसे आपने केयर करना है। इसका मैं क्या करूंगा पाजी? अरे पहला बच्चा यार, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हैं भगवंत कौर के बैग से चोरी निकाल के लाया हूँ। वैसे भगवंत कौर को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ए धोखेबाज, धोखे से कुछ नहीं हुआ ससुर जी, बकायदा शादी की हमने। आपने डॉक्टर से बात की ना? मैं तेरी पिछली शादी की बात कर रहा हूँ करण बजाज। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने आज तक? यार कितनी बेहुदा कितने बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं जी आप एक शरीफ बंदे पे। सरदार जी आप इस धोखेबाज को नहीं जानते। लास्ट मिनट एक बेचारी लड़की को शादी के मंडप पर छोड़कर ये भाग गया और मेरी बेटी से शादी कर ली मेरी दौलत और इज्जत के लालच में। ही इज अ चीट। आप सोचिए उस बेचारी लड़की पर क्या गुजरी होगी। मैं बताता हूँ जी सिलसिला क्या है। दरअसल आपकी और इसकी कहानी ना जी सेम टू सेम है। पाजी? हाँ, मतलब इसके साथ भी वही हुआ है जी जो आपके साथ हुआ है। क्या मतलब? मतलब वो नीचे लॉबी में मैंने वो सारा इलू इलू देखा। आई नो जैसे कि आपकी वो शांति, यानी कि आपकी वो जानू आपको छोड़ के भाग गई ना जी, वैसे इसको भी इसकी गर्लफ्रेंड प्रीति शादी के मंडप में ही छोड़ के भाग गई थी। वो तेरी यार शांति भाग गई इनको छोड़ के। और प्रीति से अंजलि तक आने में इसको ज्यादा देर नहीं लगी। अब नहीं देखो जी, वो कहते हैं ना जी कि इश्क और मुसीबत पूछ कर नहीं आते जी। वैसे जितना खुश मैंने आपकी बेटी को इसके साथ देखा ना जी, उतना खुश तो कभी मैंने भगवंत कौर को अपने साथ भी नहीं देखा। और तुमने वो जानू मेरे मतलब शांति को मेरे पीछे क्यों लगाया? अब देखो ना जी दयाकर साहब, आपके दिल के टूटने का मुझे पूरा अफसोस है जी, लेकिन आप दिल को संभाल के रखा करो ना जी। आप कितने स्मार्ट हो, कितने हैंडसम, कितने गुड लुकिंग, क्या पर्सनैलिटी है आपकी। आपके दिल को तो कभी भी कोई लूट के ले जा सकता, अभी आपकी उम्र क्या है। यू नो मिस्टर सिद्धार्थ जी, आप बातें बड़ी प्यारी करते हैं, आपने दिल खुश कर दिया मेरा। करण मुझे कल सुबह प्रपोज करने वाला है। यस, आई नो ही लव्स मी। ज्योति आई एम सो हैप्पी, आई एम जस्ट सो हैप्पी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ज्योति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। 3 दिन तक तुमने करण और मेरी इतनी हेल्प की है। दैट्स ओके, आफ्टर ऑल आई एम अ ड्रामा क्वीन। एनीवे मैं चलूं? तुम कहीं नहीं जाओगी अंजलि। बहुत नाटक हो गया यहाँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई ये सोच के कि मेरी बेटी ने एक घटिया वेटर से शादी कर ली। अब तुम अपनी पैकिंग करके नीचे आओ, तब तक मैं प्रेस को बताता हूँ करण बजाज की असलियत। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। पापा ये रिसॉर्ट करण की जिंदगी है,
नाम मत लो उसका। जानती हूँ वो धोखेबाज अपनी शादी के मंडप से भाग गया था। जानती हूँ पापा, मैं भी प्यार करती हूँ उससे, और आपकी बेटी उससे सच में शादी करना चाहती है। शादी तो दूर की बात है, दोस्ती भी अपनी बराबरी के लोगों के साथ की जाती है। बस एक महीने बाद। What? एक महीने में सारी पब्लिसिटी पूरी हो जाएगी, रिजॉर्ट भी चल पड़ेगा, फिर आप जो कहेंगे मैं करूँगी। प्लीज पापा, आई बेग यू, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। ना आपको मिलूंगी और ना अक्षय को। प्लीज पापा, सिर्फ आज का एक दिन, प्लीज। ठीक है, लेकिन अगर तुमने करण से कुछ कहा या कोई और नाटक किया तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं इस रिसोर्ट को बर्बाद कर दूंगा और करण सड़कों पे आ जाएगा। अभी तो तुम बहुत कुछ नहीं जानती अंजलि, धीरे धीरे सब जान जाओगी। ब्रेकफास्ट पे बुलाया और एक ही प्लेट, जब हम एक होने वाले हैं तो दो प्लेट्स की क्या जरूरत। करण, ड्रामा क्वीन, विल यू मैरी मी? ट्रेजेडी किंग, हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? यहाँ नहीं, यहाँ। ओके, बोलिए क्या शर्तें हैं आपकी? आप हर हफ्ते हमारे बालों में चमेली का तेल लगाएंगे। मंजूर है। आप रोज हमारे चश्मे साफ करके हमें खुद पहनाएंगे। डन। आप कभी हमसे कोई घर का काम नहीं करवाएंगे। ऑफ कोर्स नॉट। आप हमसे दूर कभी नहीं जाएंगे। नेवर। और आप हमेशा हमें बहुत सारा प्यार करेंगे। हमेशा। ऑल राइट, इन दैट केस करण बजाज, विल यू मैरी मी? अंजलि, ड्रामा क्वीन हम हैं, आप नहीं, राइट? तो ये सब ऊट पतंग काम हमें ज्यादा सूट करते हैं। करण, कहाँ थी तुम? इतनी देर लगा दी, देखो सनराइज भी मिस कर दिया। सॉरी। जरूर तुम्हारे पापा ने कुछ गड़बड़ की होगी। शायद। I'm fine, करण। ड्रामा क्वीन का मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है। अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने मेरे सारे कॉम्प्लेक्सेस भगा दिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक गॉड फॉर दैट। इसीलिए आज इतनी हिम्मत कर रहा हूँ। 3 दिन दिए हैं, 3 जन्म दे सकती हो। थैंक यू सो मच करण, पर मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। आई मीन दिस इज रियली अ सरप्राइज। सरप्राइज? पर तुम तो जानती थी कि हमारी आज ये स्पेशल मोमेंट होगी। अब इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है अंजलि? आई लव यू अंजलि। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? क्या तुम मुझे? करण, तुम मुझे अच्छे जरूर लगते हो, बट दिस इज ऑल अ ड्रामा, राइट? ड्रामा? नहीं अंजलि, मैं पब्लिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आई रियली लव यू अंजलि। गॉड करण, तुम अपने एडवेंचर में इतना इमोशनल हो गए। देखो करण, आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है,
इसके बाद मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। और वैसे भी हमारी डील तो बस यहीं तक ही थी ना। डील? तुम्हें ये सब डील लगती है? और क्या थी मैं करण, 3 दिन की झूठी मेहमान? प्लीज करण, इतना इमोशनल मत हो। वैसे भी तुम्हें कोई हॉट एंड सेक्सी बेब मिली जाएगी। और मुझे तुम्हें, तुम्हें क्या? कुछ नहीं। डोंट डू दिस अंजलि, तुम जानती हो इन 3 दिनों में हम एक दूसरे के कितने करीब आए। इस 3 दिन के ड्रामे में हम दुश्मन बनके तो नहीं रह सकते थे ना? यू मीन तुम्हारी दोस्ती भी एक ड्रामा थी? माय गॉड अंजलि, तुमसे ज्यादा चलाक और झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आखिर बेटी किसकी हो? हाउ डेयर यू गेट लॉस्ट करण बजाज। रिजॉर्ट वापस चलो, कवाली का जश्न है और ब्राइडल फोटोशूट। मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। वादा माय फुट। गुड बाय अंजलि। वादा ही तो पूरा कर रही हूँ, तुम्हारा भी और अपने पापा का भी। आफ्टर ऑल आई लव यू बोथ। इश्क वाले जमाने से महरूम है, कितने भोले हैं नादा है मासूम है। इश्क वाले जमाने से महरूम है, कितने भोले हैं नादा है मासूम है। ख्वाबों के अंजुमन में जीते हैं, लेके अल्लाह का नाम पीते हैं। सका तहरीर इनकी, लिखते हैं ये दिल के, लिखते हैं ये दिल के लहू से हर एक कहानी। कोई मिटा पाया नहीं इनकी निशानी, ओ कोई मिटा पाया नहीं इनकी निशानी, निशानी। निगाहों से दिया है पैगाम, चाहत का निगाहों से दिया है। ओ हंस हंस के गले दे बे हर जख्म लिया है, हंस हंस के गले जे पे हर जख्म लिया है। दिलबर के दर पे, दिलबर के दर पे सर झुका सजदा किया।
मासूम है इश्क वाले, इश्क वाले। We are checking out. Is my bill ready? Yes, sir. दयाकर, क्या है? तुम अंजलि को लेकर कहाँ जा रहे हो? जहाँ उसे होना चाहिए। आप नहीं जानती मेरा करण तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा है, उससे शादी करना चाहता है, और तुम उसे यहाँ से ले जा रहे हो। मोनिका, मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि यहाँ एक लव स्टोरी शुरू होने वाली है। और मैं भी समझ गया था कि यहाँ पर लव स्टोरी शुरू होने वाली है। दयाकर, क्यों बच्चों का दिल तोड़ रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रही हैं मोनिका, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। सुना आपने? नहीं अंजलि, दैट्स नॉट ट्रू। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम डर के मारे कुछ नहीं बोल रही हो। तुम करण से बहुत प्यार करती हो। कम ऑन अंजलि, यू नो दैट। ओवर पसंद होते हुए भी तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, एक बात बोलूं, प्यार जब भी जहां भी मिले उसे दिल में संभाल के रखूं, वरना मेरी तरह अकेली रह जाओगी। देखो दयाकर, मेरा करण बहुत अच्छा लड़का है और अंजलि से बहुत प्यार करता है। फिर भी अंजलि का इस्तेमाल करता है अपने रिसोर्ट की पब्लिसिटी के लिए। माय डियर मिस्टर रंगीला, अच्छे लड़के ये सब नहीं करते हैं। बुल्ले शाह ने कहा है कि प्यार भरा दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिल में भगवान रहता है। Who is Mr. Bulle Shah? Come on, please, दयाकर। दयाकर जी, please, नाराज मत होइए। देखिए, जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने करण को मजबूर किया था दुल्हन लाने के लिए। आप इन दोनों को सजा मत दीजिए, प्लीज। अरे वो ज्योति कहाँ है? ज्योति को भी हमारे साथ जाना। ज्योति आपके साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। भाई दयाकर, देखो दोनों मिले हैं, कोई ना कोई बात तो होगी ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जरा इससे तो पूछिए कि इसे क्या चाहिए। बेटी की खुशी से बढ़कर और क्या चीज है दयाकर? एग्जैक्टली। अंजलि, इन्हें बता दो तुम्हें क्या चाहिए। चलिए पापा, घर चलते हैं। सुन लिया आप लोगों ने? थैंक यू वेरी मच, चलो बेटी। मगर अंजलि, ये तुम क्या कर रहे हो अक्षय? सॉरी सॉरी सर। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करते हो? मेरी मासूम बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा? तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? कम ऑन, गेट आउट ऑफ हियर। I'm very, very, very sorry. It's too late, Papa. अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि इसके बिना तुम जी नहीं सकोगे, तो समझ लेना कि जन्म जन्म का साथ है। Eternal lovers. Eternal lovers. Eternal lovers. Eternal lovers. Eternal lovers. Eternal lovers. आओ पाजी। काहे का पाजी? हम्म? बहुत चलाक समझता ना अपने आप को। पाजी भी बोलता है और भाई भी नहीं समझता। इतना कुछ हो गया और हमें बताया नहीं तुमने कुछ भी। बताने को बचाई क्या पाजी? ओ कमलिया, दर्द बांटने से कम हो जाता है।
और कुछ दर्द ऐसे होते हैं पाजी कि उन्हें जितना बांटो उतना ही बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, हमें तो फिर पराये समझ लिया ना तुमने। ठीक है भाई, पराये ठीक है। पराया तो मुझे कर दिया बचपन से ही, अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रह गया। अपना मार खाएगा मुझसे तू? किसने कहा है तू अकेला है? हाँ? हम मर गए क्या? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखना देखना, भाभी वापस आ जाएगी, फिर हम सब है ना तेरे साथ। पागल है, खुद भी रोता है, हमें भी रुलाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, काश मैंने अक्षय की असलियत पहले देख ली होती और करण की इंसानियत को पहचान लिया होता। उसने मेरी बेटी को कितनी इज्जत से रखा था। इट्स नॉट योर फॉल्ट पापा। पता नहीं क्यों पेरेंट्स को तो ऐसा लगता है जैसे उनके बच्चों को अपना जीवन साथी पहचाने की कोई समझ नहीं। मैंने सॉरी कहा ना बेटा, I was wrong. इसलिए मैं जाता हूँ करण के पास। नहीं पापा, करण बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उसके कॉम्प्लेक्स से दूर कर दो ना बेटी। कर दिए थे, पर अब वो नहीं मानेगा। He hates me. मेरी प्यारी सी बेटी को कोई हेट नहीं कर सकता। मुझे तुम करण से एक बार मिलने दो, मैं उसके सारे कॉम्प्लेक्सेस, उसकी सारी हेट्रेड एक झटके में दूर कर दूंगा। लाइक दिस। उसका तो अब सिर्फ एक ही तरीका है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 पापा। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज हमारी बेटी जल्दी उठ गई, तैयार भी हो गई, कहीं जाने का इरादा है क्या? पापा आज का पेपर कहाँ है? कमाल हो गया, आज हमारी बेटी पेपर भी पढ़ेगी। पापा कहाँ है आज का पेपर? बात क्या है, कोई खास हेडलाइन? मेरी फोटो। मैं अंजलि दयाकर प्रेमकर की बेटी सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी से प्यार करती हूँ। And I'm proud of him. He's a man of substance. वो दुनिया का best bartender, smartest businessman, और सबसे नेक इंसान है। करण बजाज, I love you. मुझसे शादी करोगे? Please. अंजलि। करण, I love your चश्मा। अंजलि। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रीति की शादी में जाना है। कौन प्रीति? वही प्रीति जो तुम्हें छोड़ के भाग गई थी, याद है? By the way, वो तुम्हें इसलिए छोड़ के नहीं भागी थी क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स्ड हो या एक बारटेंडर थे, वो किसी और से प्यार करती थी। और अभी अभी पता चला वो मेरा कजन है, आज उनकी शादी है। हाँ, जाना तो पड़ेगा। मेरे कजन की खातिर नहीं, वो इसलिए कि अगर प्रीति ना भागती तो मैं ना भागता, मैं ना भागता तो तुम मुझे लिफ्ट ना देती, तुम मुझे लिफ्ट ना देती तो। उन्हें बधाई देके आई मिस्टर बजाज। तुमको भी मिसेस बजाज, तुमको भी। कब से संभाले रखा है दिल, कब से संभाले रखा है दिल, ख्वाबों में आने वाली दिलरुबा सामने आके मिल, कहती है मेरी बेताबिया से संभाल रखा है दिल, कब से संभाल रखा है दिल, खाबो
मिल, कहती है मेरी बेताबिया ओ हसी का दिल, कब से संभाल रखा है दिल, हाँ कब से संभाल रखा है दिल। क्या कर रही हो? हम देख रहे थे ना। नहीं चलो उठो, कल स्कूल जाना है ना। मम्मी मम्मी अपनी फेवरेट पिक्चर लगाओ ना। फेवरेट पिक्चर देखो। ख्वाबों में आने वाली दिलरुबा सामने आके मिल, कहती है मेरी बेताबिया ओ हंसी का दिल, कब से संभाले रखा है दिल, कब से संभाले रखा है दिल, कब से संभाले रखा है, कब से संभाले रखा है दिल।